हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 6। हाँ, 6 बज रहा है और बाहर हो रही है एकदम ज़ोरदार वाली बारिश। तो जस्ट अभी बारिश रुका है तो मैं चलती हूँ छत पे, थोड़ा दिखाती हूँ। तो फाइनली अब लग रहा है कि सावन मतलब आ गया है, जैसे बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही। तो चलिए चलते हैं छत पे, देखते हैं थोड़ा सा बारिश में आप लोग को भी दिखाती हूँ और उसके बाद नीचे आते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। खाना पीना का तैयारी भी करना पड़ेगा और बच्चों का आज का यूनिफॉर्म ले चलती हूँ ऊपर ऊपर वाले रूम में, मशीन में डाल दूँगी, कल सुबह धोएंगे। एक तो मतलब एक तो सुबह में कपड़ा धोए तो अब तक सूखा ही नहीं है। और शूज भी है उनका, आज वाइट पहन के वो लोग गए थे तो इसको भी धोना पड़ेगा शूज को। तो एक तरफ में रख दी क्योंकि फिर मैं जाऊंगी छत पे तो शूज लेके जाऊंगी। और आज यहाँ पे बगल में जो हम लोग के मतलब पड़ोसी ही लगेंगे, उनके घर में पूजा था तो मैं वहीं पे चली गई थी। एक भी कपड़ा नहीं सूखा है और जो सूखा हुआ भी था वो भी गीला हो गया है। तो मैं थी वहीं पे, तो वहीं पे आया था एकदम जोर वाली बारिश। चलिए मैं दिखाती हूँ अब क्या ये कपड़ा सूखेगा। देखिए ये लग रहा है सुबह में सुखाया हुआ कपड़ा, रात के 6 बजने लगा शाम का और पानी ऐसे निकल रहा है कि लग रहा है मैं अभी इसको धो के सुखाई हूँ। तो चलिए ये अंदर का जो ये पतला पतला ये सब सूख गया था, ये सब को उठाती हूँ मैं। ये सब जो पतला पतला है ये सब तो सूख गया, नीचे टांग दूंगी तो सूख जाएगा। ये गमछा उमछा है सूती वाला और जो बाहर का है इसको अंदर कपड़ा रखती हूँ, नहीं तो रात भर बारिश होगा, भीगेगा सूखेगा तो कपड़ा भी खराब हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं उस टाइम मिलने के बाद मिल रही हूँ अभी। और अभी बज रहा है रात के 7:30 और फाइनली खाना भी मेरा रात का आज बन गया। तो सिंपल बनाई हूँ, रोटी और परवल, आलू की सूखी वाली जो भाजी होती है वो दिखा देती हूँ मैं आपसे आप लोगों को। एक रोटी निकाल रही हूँ लास्ट का, तो फाइनली रोटी बन गया। तो इसको अब हम लोग ढक देते हैं कपड़े से कि जिससे हमारा ये रोटी कम से कम 2 घंटे तक भी गर्म रहेगा तब काम चल जाएगा, क्योंकि 2 घंटे के बाद ही हम लोग खाएंगे। इसको करते हैं साइड में, तवा पर रखते हैं नीचे क्योंकि रोटी बनने के बाद गैस पे तवा नहीं रखना चाहिए। और सब्जी दिखा देती हूँ, तो सब्जी में सिर्फ परवल था और तुरई था, तो मैं सोची कि चलो परवल का ही बना देते हैं। और परवल मेरे घर में सबको पसंद है और थोड़ा सा दिन का भी बच गया है सब्जी उब्जी खाना, तो उसी सब मिलाकर काम चल जाएगा। ये थोड़ा सा और होगा, थोड़ा सा कसर बाकी है। तो यही है आज का खाना, यही बना है सिंपल, परवल की भाजी और रोटी। दूध वाले भैया आ गए, बहुत दूध लिया। तो फाइनली आज का जो खाना पीना था वो भी हो गया और दूध वाले भी आ गए, तो दूध भी रख दी बॉयल करने के लिए मतलब उबाल आने के लिए। और अब मैं चलती हूँ पीने के लिए, बोतलों में पानी भरने के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और न्यू फ्रेंड है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय एंड गुड नाइट, रात हो गया, गुड नाइट।